Realme 5 और Samsung Galaxy M20 में फुल कंपैरिजन। Samsung Galaxy M20 की डिस्प्ले 6.3 इंच है, रेजोल्यूशन 1080x2340 है, TFT डिस्प्ले का इसमें यूज किया गया है। Realme 5 की डिस्प्ले 6.5 इंच है, रेजोल्यूशन 720x1600 है, IPS LCD डिस्प्ले का इसमें यूज किया गया है। Samsung Galaxy M20 की RAM और Realme 5 की RAM सेम दी हुई है, 3GB और 4GB। Samsung Galaxy M20 की मेमोरी 32GB और 64GB है और Realme 5 की मेमोरी 32GB, 64GB और 128GB है। Samsung Galaxy M20 का प्रोसेसर है Exynos 7904, CPU है 1.8 GHz और 14 nm है FinFET। और Realme 5 का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 665 है, CPU है 2 GHz और 11 nm है FinFET। जितना भी nm कम होगा उतना ही प्रोसेसर बेस्ट होगा। Samsung Galaxy M20 का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है 8.1 ओरियो और Realme 5 का भी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है v9.0p। Samsung Galaxy M20 और Realme 5 में बैटरी सेम दी हुई है 5000 mAh की और दोनों में ही नॉन रिमूवेबल बैटरी है, दोनों की बैटरी को हम निकाल नहीं सकते। Samsung Galaxy M20 का बैक कैमरा 13 MP और 5 MP का है और Realme 5 का बैक कैमरा 12 MP, 8 MP और 2 MP और 2 MP का है। Samsung Galaxy M20 का फ्रंट कैमरा 13 MP का है और Realme 5 का फ्रंट कैमरा 8 MP का है। Samsung Galaxy M20 में फिंगरप्रिंट सेंसर और Realme 5 में भी फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, फेस अनलॉक भी दोनों में ही दिया हुआ है, LED फ्लैश लाइट भी दोनों में ही है। कनेक्टिविटी दोनों में ही 4G की है, M20 में भी और Realme 5 में भी। Samsung Galaxy M20 में 8x डिजिटल जूम है और Realme 5 में 10x जूम है। Samsung Galaxy M20 का वेट 168 ग्राम है और Realme 5 का वेट 192 ग्राम है। दोनों में वारंटी सेम दी हुई है 1 साल की, M20 में भी और Realme 5 में भी। Samsung Galaxy M20 का ग्लास गोरिल्ला का है, 3 प्रोडक्ट से बना हुआ है और Realme 5 का है ग्लास गोरिल्ला का है और 5 प्रोडक्ट से बना हुआ है। M20 के जो एस्पेक्ट रेशो 19.5:9 है और Realme 5 के एस्पेक्ट रेशो 19.5 है। Samsung Galaxy M20 का 3x चार्जर है और Realme 5 का 10 वाट का चार्जर है। कलर दोनों में सेम दिया हुआ है, ब्लू और ब्लैक। Samsung Galaxy M20 में 3GB और 32GB का प्राइस है 9990 रुपये और 4GB और 64GB का प्राइस है 11990 रुपये और Realme 5 में 3GB और 32GB का प्राइस है 9990 रुपये और 4GB और 64GB का प्राइस है 10990 रुपये। आप लोगों को दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा कमेंट में लिखकर बताना।